ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं अतो जयं मुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत शैवजा भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय आठ श्लोक संख्या 44-45 और ये श्लोक संख्या पाठ करके हम लोग एक और विषय पर भी चर्चा करेंगे। शुद्वाच पृथे इथम कलपद परिणुताखिलोदय मंदम जहास वैकुंठो मोहयन इव मायजा। श्री शुतुवाच प्रतीत्थम कल्पदैः परिणुताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन इव मायजा। शुतुवाच श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा पृथे कुंती के द्वारा एथम इस प्रकार कल्पदै मधुर वाक्यों से परिणता परिणुता खिलोदय। कृष्ण लीलाओं का अधिकांश वर्णन किया गया मंदम जिससे मंद मुस्कुराते हुए जहास मुस्कुराते हुए वैकुंठो भगवान श्री कृष्ण ने मोहयन मोहमय ईवा सदृश मायाया अपनी माया से अनुवाद इस प्रकार है। शुद्ध गोस्वामी ने कहा कि जब कुंती महाराज ने इस प्रकार मधुर वाक्यों से भगवान की स्तुति की और भगवान के अधिकांश लीलाओं का उन्होंने गायन किया तो ये देख करके भगवान अत्यंत मोह में डालने वाले इन स्मित के साथ वो रथ से नीचे उतरे। तांबाजमितुपामंत प्रविश्य गज सहवजम श्रीयश्च स्वपुरम वास्यन प्रेमणा राज्ञा निवारिता। और सुखु साई पाठ कहते हैं दूसरे श्लोक में कि उन कुंती की स्तुति सुन करके उन हंसते हुए भगवान ने कहा ठीक है वो भी आप रहना चाह रहने के लिए मुझे कह रही है मैं रुक जाता हूँ। इस प्रकार रथ ऊपर से उतर करके वो वापस हस्तिनापुर में गए और जब हस्तिनापुर में जा रहे थे तो सुभद्रा इत्यादि जो उनकी बहन थी उनके द्वारा खूब एकदम विनती के साथ कहा कि आप मेरे पुर में पधारिए। तो भगवान उन सुभद्रा जी के घर में जाते हैं और वहां से उन्होंने के घर में जा करके अंततः युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा के लिए वापस महाराज के पास जाते हैं लेकिन कहते प्रेमण राज्ञा निवारिता। तो महाराज युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक उनको रोका कि आप कुछ काल रुक जाइए अभी हम भगवान को वहां रुकने देते हैं और हम लोग एक दूसरे विषय पर आज चर्चा करेंगे। वो सबसे पहले वो स्तुति है ओम अज्ञान तिमिरंदस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुल मिलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोहरिष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सपदंतिकम वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम
श्री गुरु नवश्नवंश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथन्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखन विदंश मुखम करौति वाचालम अंगुमनंगजते गिरि यत्कृपा तमह मंदे परमानंद माधव जय तं सुरत पंगौ मम मंद मतैर गति मत सर्वस्व पदां मोजो श्री राधा मदन मोहन वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो प्रथम श्लोक स्तुति का है, इन स्तुति के प्रथम श्लोक को बराबर समझ लेना चाहिए। तो ये बताया गया है उन गुरु के प्रति, ये श्लोक है जो भगवान के महान भक्त हैं। तो कहते ओम अज्ञान तिमिरान दस्य, कहते हैं कि उन अज्ञान अंधकार से मेरी आंखें एकदम अंधेरे में थी, लेकिन ज्ञान रूपी सलाका से आपने उन आंखों में अंजन डाला है और इस प्रकार सब वस्तु का प्रकाश देने वाले श्री गुरुदेव के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। अब इसकी व्याख्या में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत बहुत श्लोक माता जी ने बता दिया कल, इन श्लोक को बताना है। कुल मिलाकर के जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होती है, तब तक व्यक्ति को शास्त्र में दिशा नहीं मिलती है। दिशा का अर्थ होता है कि उन शास्त्र वाक्यों में से क्या करने लायक वस्तु है, उनमें व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए गुरु के पाद पद्मों में ये प्रार्थना होती है। तो हम सर्वप्रथम इस प्रार्थना को दोहराते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, जो उन ज्ञान रूपी शलाका से हमारी चक्षु को खोला है। और तब शास्त्र में ये जितना विरोधाभास है वो उनका एक समन्वय होते हुए और बुद्धि स्थिर होती है। ऐसे गुरु महाराज के पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। और दूसरा श्लोक कैसे ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोह विष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति स्वपदांतिकम। ये दूसरा श्लोक है। श्री रूप गोस्वामी के पाद पद्मों में नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित इस श्लोक है। वो प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं उन रूप गोस्वामी पाद को पुनः पुनः प्रणाम कर रहा हूँ जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को जान करके उनके मन के अनुसार उन्होंने सब जीवों के लिए भगवान भगवत भक्ति का स्थापना किया इस पृथ्वी पर। रूप गोस्वामी पाद के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार करवाया। नरोत्तम दास ठाकुर अपनी स्कृति में बोलते हैं कि वो जो रूप गोस्वामी पाद है तो वो कब मुझे अपने चरणों के निकट रखेंगे। वो स्वयं बुला करके अपने चरणों को मेरे मस्तिष्क पर कब रखेंगे, ताकि तब मैं वस्तुतः भक्ति क्या है उनको समझूंगा। इसी रूप और सनातन ये दोनों भाई आज से 500 वर्ष पूर्व उन बंगाल के बादशाह के यहाँ
नौकरी करते थे, लेकिन जैसे तैसे नहीं, ये एक गृह मिनिस्टर थे और एक प्राइम मिनिस्टर थे, सनातन गोस्वामी पाद प्राइम मिनिस्टर थे। तो कैसे उनको मिले ये भी एक अद्भुत बात है। थोड़ा जाते हैं, जब रूप गोस्वामी पाद को याद किया तो थोड़ा चरित्र में जाना चाहिए। ये लोग मोर गांव में उनका फैमिली के साथ रहते थे। मोर गांव करके बंगाल में एक गांव है, तो उसमें वो लोग रहते थे। तो उस टाइम बंगाल के शासक थे हुसैन शाह, और वो बड़े लड़ाकू व्यक्ति थे। ऐसे ही एक इतर संप्रदाय होने से थोड़ा इस प्रकार खान पान भी था, और लड़ाकू व्यक्ति था। तो उन्होंने एक खम्भ बनाया था अपने उन शासन जहां उनका चलता था, वहां पर एक बहुत बड़ा खम्भ बनाया था, और वो एक व्यक्ति ने बना करके उनको दिया, एक कारीगर ने। और वो खम्भ देख करके वो अत्यंत खुश होकर के उनके मिनिस्टर के साथ थे, और साथ में वो कारीगर भी था। खम्भ जब ओपनिंग हुआ, जैसे अशोक चक्र एक खम्भ के ऊपर है, उस प्रकार इन्होंने एक खम्भा कारीगर ने बना के दिया था। तो जब वो तीनों गए और उनको देखा, तो बादशाह खूब प्रसन्न होकर के बोला, वाह क्या कारीगरी है, क्या स्तंभ बनाया है। तो वो जिन्होंने बनाया था, वो कारीगर ने कहा कि बादशाह ये तो कुछ नहीं है, अगर आप चाहते हैं इससे भी बढ़िया मैं बना करके दूंगा। वो बोला नहीं, बादशाह ने तुरंत तलवार निकल के उनका गला काट लिया तुरंत। वो बोले, जब मैं इसको अच्छा बोल रहा हूं तो इसको रहने देना, इससे अच्छा नहीं बनाना है। वो राजा थे, कोई बोलने वाला था नहीं, गला उड़ा दिया। और जब गला उड़ा दिया तो उनके मंत्री चकित रह गए कि इन्होंने एक काम किया, क्यों किया। वो अत्यंत गुस्से में बोला, जाओ तुम मोर गांव जाओ। अब वो व्यक्ति पूछा नहीं, क्योंकि वो तो एकदम गर्म था, उसने उनको मार दिया था, और कैसे पूछे कि उधर जाके मुझे क्या करना है। तो वो तो घबराते हुए घोड़े को टन लेकर के वो सीधा मोर गांव की ओर दौड़ा। बादशाह गया अपने घर, और वो मोर गांव में जाकर चक्कर लगा रहा था चारों ओर। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों भेजा गया है, और वो पूछने से डर गया था कि उसको मार दिया, कि वो तो मुझे भी मार सकते घर से, पूछा क्यों, उसको खम्भ बना पर मार दिया, और तो हमको मार दिया, पूछा क्यों तुमने, इसलिए वो बेचारा चल दिया। वो इतना परेशान थे, इतना परेशान थे, उन्होंने पहचान लिया कि तो बादशाह का मंत्री है। तो साकर मल्लिक, उनका नाम सनातन गोस्वामी पाद का नाम क्या है, तो महाप्रभु का दिया हुआ नाम है, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, बहुत सुंदर नाम। तो वो उन्होंने देखा, सनातन गोस्वामी हम कहेंगे, सनातन गोस्वामी पाद ने देखा कि ये यहाँ परेशान होकर के घूम रहे, तो उनको खड़ा किया, बोले क्या परेशानी है, परेशानी क्या है, आखिर आप घूम रहे तो क्या उद्देश्य आप घूम रहे हैं। तो बोलता है, यार एक बहुत बड़ा झंझट हो गया। बोले क्या झंझट हो गया, जरा हमको बोलो, और दूसरे को बताना नहीं। बोले बादशाह ने हमको मोर गांव भेजा है, क्यों भेजा है, बोले यही तो आपत्ति है। बोले ठीक है, किस सिचुएशन में उनको तुमको मोर गांव जाने के लिए कहा। तो वो बोले कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, उन्होंने पूरा घटना बता दिया। बोले वो कारीगर किस गांव का था, मोर गांव का था। बोले तुमको कारीगर लेने के लिए भेजा है, दूसरा और क्या है। वो सनातन गोस्वामी पाद ने एक कारीगर दिया, बढ़िया, बोले इसको लेके जाओ। वो बादशाह के दरबार में आए तो बादशाह को बोले, मैं आ गया हूँ। बोले ठीक है, और ये रहा कारीगर। बादशाह चकित हो गया, बोलते मैं तो तुमको कहा नहीं था कि तुम कारीगर लेकर के आओ,
तुम मेरे मन को कैसे जान गए? तो ये तुम्हारा काम नहीं है, कौन बोला तुमको? तब उन्होंने इसका नाम दिया, और तब उन दोनों भाई को मंगा लिया, एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया सनातन गोस्वामी पाठ को, और दूसरे को गृह मंत्री बना दिया। उसी दिन से वो राजा ने वो दोनों वहां उन और मुस्लिम के साथ रहने थे, उनका नाम भी बदली, का नाम साकर मल्लिक रखा सनातन गोस्वामी पाठ का, और उसका नाम दबीर खास रखा। पर उनको ये सर्विस अच्छा नहीं लगता था। एक दिन नाम के लिए गांव में चैतन्य महाप्रभु पधारे थे, वो उनके ऊपर कृपा करने के लिए आए थे। उनका दर्शन करते ही उन दोनों को महाप्रभु ने दीक्षा दी, नाम दे दिया रूप सनातन, उठो उठो तुम मेरे नित्य परिकर हो, ऐसा कह करके उनको नाम दे दिया, अर्थात दीक्षा दे दिया। वो यज्ञ का विधि नहीं था पहले, वो गुरु स्वीकार कर लेते थे, उनको नाम दे देते। अभी यज्ञ करना पड़ता है, क्योंकि यज्ञ नहीं करेगा तो लोग साक्षी नहीं रहेंगे, और इन्होंने नाम दीक्षा लिया है, जप करना चाहिए, यह वह वो व्यक्ति छोड़ सकता है, इसलिए कोई दूसरा याद दे। देखो भाई, आपने गुरु के सामने और वैष्णवों के सामने भगवान के सामने दीक्षा लिया है, आपको 16 माला जप करना चाहिए, है? तो ये प्रमाण के लिए लोग कोई बताएगा, ये प्रमाण के लिए आज जैसे जैसे युग डाउन होता जा रहा है ना, ये विधि विधान लागू करना पड़ता है। तो चैतन्य देव ने तो जब उनको कहा और दीक्षा दे दिया, वो दोनों भाई वहां से वापस अपनी सर्विस पर गए, लेकिन मन नहीं लगा, और भागवतम अध्ययन में दोनों भाई लग गए। रूप गोस्वामी तो बाकायदा वो बोले मैं तो रहूंगा नहीं, तुम रहो सर्विस करो, बड़े भाई को बोले तुम प्राइम मिनिस्टर हो रहो, और मैं चलो। एक नौका भर के सोना मोर था उनके पास, एक नाव, बहुत बड़ा मच मोटा नाव था, और नौका भर के अपना कमाई लेकर के वो अपने गांव में चले गए। और सनातन गोस्वामी बात वहां चाकरी कर रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लग रहा था, वो भागवतम का अध्ययन कर रहे थे और काम पे नहीं जाते थे। बादशाह ने भेजा, बोले बाना बना बना मैं बीमार हूँ, तो वैद्य आया, जब बोले बादशाह ने बोले वैद्य को जाओ जरा, वो साकर मलिक नहीं आ रहा है, क्या बात है? एक तो उनका भाई घर में बैठा हुआ है, और ये भी काम नहीं कर रहा है, कैसे काम चलेगा? तो वो आया, जब बोले आपका शरीर देखने के लिए मुझे भेजा, मेरा शरीर स्वस्थ। उन्होंने देखा कि 10-25 ब्राह्मणों को लेकर के बैठे और भागवतम का पाठ कर रहे हैं। बोल तो वो बीमार नहीं है, उन्होंने जाकर कहा। और दूसरे दिन बादशाह आ गया, बोले तुम क्या साकर मलिक सोच रहे हैं? एक तो तुम्हारा भाई घर में बैठा हुआ, तुम भी काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? और मुझे उड़ीसा के ऊपर हमला बोलना है, मैं जा रहा हूँ युद्ध के लिए, और तुम अपना काम पर लगो। बोले देखो बादशाह, आप तो गौड़ेश्वर है, इस बंगाल के आप बादशाह है, आप जो कुछ भी कर सकते, मुझसे आपका ये काम नहीं होगा, सीधा बोल दिया। और बोलने से तुरंत बोला इसको कैद में डालो, मैं जा रहा हूँ उड़ीसा, उनके बाद मैं आकर के देख लू। सनातन गोस्वामी पाद को कैद में डाल दिया, और पुनः बाद में वो छूट करके चैतन्य महाप्रभु को मिले। वो कैसे कैसे छूटे वो लंबा कथा है, उसमें मैं जाऊंगा तो हो गया कल्याण है। तो ऐसे रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद के ऊपर कृपा करके चैतन्य देव ने उनको भक्ति का शिक्षा दे करके दशाश्वमेध घाट पर शिक्षा दिया, काशी में मिले दोबारा उनमें से रूप गोस्वामी पाद, उनको शिक्षा दिया भक्ति क्या है, और फिर उनको भेजा वृंदावन, वृंदावन का उद्धार करो लीलाशरी का, और साथ में भक्ति का ग्रंथ लिखो, भक्ति क्या है, किस प्रकार की जा सकती है, कितने प्रकार की भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र, इसलिए कहते हैं चैतन्य मनोह विष्टम स्थापितम जैन भूतले, जो पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु का मन विष्ट मन प्रिय वस्तु इन भक्ति को स्थापित किया रूप गोस्वामी पाद ने, ये इनकी पंक्ति है। कैसे बाद में श्लोक चैतन्य मनोविष्टम स्थापित भूत स्वयं रूप कदा मयामी ददाति सकोदन, वो रूप गोस्वामी पाद मुझे कब अपने चरणों में
शरण देंगे। श्री गुरु न वैष्णवांश, अगला श्लोक है कि मैं अपने गुरु एक वचन और गुरु न, मैं अपने गुरु के पाद पद्मों में प्रणाम करके, वो अनेक गुरु है जो वैष्णव लोग शिक्षा देते हैं और जो लोग दीक्षा गुरु है, इन दोनों को गुरु बोलते हैं। शिक्षा गुरु एक को बोलते हैं, एक को दीक्षा गुरु, जिनसे दीक्षा होती है उनको दीक्षा गुरु बोलते हैं। उन सब गुरुओं के चरणों में मैं श्री गुरु श्री युत पद कमलम, श्री युत पद कहते हैं, श्री माने ऐश्वर्य, उन वैष्णवों के या गुरु के पाद पद्मों का ऐश्वर्य क्या है ना, उनका पाद पद्म हमेशा परोपकार के लिए चलता है, वो अपना उनका अपना स्वार्थ कुछ नहीं है। ऐसे जो श्रीयुत अथवा जिनका पाद पद्म हमेशा भगवान की ओर बढ़ता जाता है, तो ऐसे श्रीयुत पद कमलम है, उन श्री युक्त जो पद है, ऐसे गुरु महाराज के चरणों में हम शरण लेते हैं। और श्री गुरु न वैष्णवांश, और बहुत सारे गुरु मेरे शिक्षा गुरु या अनेक गुरु है, उनके गुरु को जिन जिन के पास से मैंने शिक्षा ली है, उन गुरु को जिनके पास से दीक्षा ली है, उन गुरु को पहले प्रणाम किया, और अनेक गुरु और वैष्णवांश और भजन साधन करके जो लोग वैकुंठ गए वो वैष्णव, और जो भविष्य में भजन साधन करेंगे उन सब भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के वैष्णवों को प्रणाम किया जाता है। श्री गुरु न वैष्णवांश, श्री रूपम सागर जातम, दोबारा रूप गोस्वामी पाद को प्रणाम कर रहे हैं, श्री रूपम और रूप गोस्वामी पाद को प्रणाम, सागर जातम उनके पहले जन्मे हुए सनातन गोस्वामी पाद को प्रणाम करता हूं, उनके बड़े भाई है, तो मैं सनातन गोस्वामी पाद को प्रणाम, श्री युत पद कल श्री श्री युत पद कल हाँ सहगण रघुनाथान्वित तम तम सजीवन, कहते हैं सहगण रघुनाथान्वितम, और अपने उन आश्रितों के साथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को मैं प्रणाम करता हूँ। रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चैतन्य कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का आश्रय लेकर के रूप गोस्वामी पाद का आश्रय लेता हूँ, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति का उपदेश दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने पत्थर पर लकीर की भांति उन सब भक्ति का पालन करके अपने जीवन में उतारा, इसलिए इन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उनके आश्रित जीवों के साथ वैष्णवों के साथ उनको प्रणति करके जीव गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जीव गोस्वामी पाद हमारे सर गोस्वामी है, उनमें से रघुनाथ दास स्वरूप सनातन रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी पाद रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, इसमें से जीव गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद के भतीजे थे, अनुपम के पुत्र, उनके छोटे भाई के पुत्र थे, तो उनके चरणों में वो प्रणाम। ये सब बड़े बड़े जीव गोस्वामी पाद ने 400,000 श्लोक रचे, 400,000 जीवन में पढ़ना मुश्किल है, उन्होंने लिपिबद्ध अपनी ओर से रचना किया है 400,000 श्लोक, और समस्त शास्त्र है उसमें से एक वाक्य कोई झूठा नहीं बोल सकता है, उनको साबित नहीं कर सकता है कि गलत बोला है। इसे कहते हैं कि उनके बाद और कोई ऐसा विद्वान, आज 450 साल हुआ उनको, कोई ऐसा विद्वान हुआ नहीं आज तक जीव गोस्वामी पाद जैसा विद्वान, तो इन जीव गोस्वामी पाद प्रभु के चरणों में प्रणाम। और क्या है माता, साद्वैतम सावधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य, साद्वैतम मैं उन अद्वैताचार्य को प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा से जगत को गौरांग मिले, ये अर्थ है इसमें साद्वैतम, मैं उन अद्वैत को प्रणाम कर रहा हूं, सावधुतम वो उस अवधुत नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम, साद्वैतम सावधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव, अपने परिकरों के साथ मैं चैतन्य महाप्रभु के
चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जो सदैव अपने परिकरों के बीच में घिरे रहते हैं, चैतन्य देव अपने भक्तों के बीच में सदैव घिरे, चाहे पूरी हो कहीं पर हो, वो अपने परिकरों के बीच में घिरे रहते हैं, तो उन परिकरों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते, साध्वतम सावधुतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता से विशाखान्वित। कहते हैं उन ललिता विशाखा इत्यादि से घिरे हुए श्री श्री राधा कृष्ण, तो उनके युगल चरणों की मैं प्रार्थना करता हूँ। एक क्रम है, इसी प्रकार कोई व्यक्ति इस क्रम से जब भजन साधन करेगा, इन लोगों को प्रणाम करेगा, तो इन परंपरा के जरिए वो श्री राधा कृष्ण के पास जा सकते हैं। श्री उन राधा कृष्ण का सेवा इतना सस्ता नहीं है, इन आचार्यों की कृपा से कोई व्यक्ति भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा तक जा सकते, भले विष्णु प्रसन्न हो सकते हैं, विष्णु का सेवा में कोई व्यक्ति जा करके वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ब्रज में राधा कृष्ण का सेवा गौरांग महाप्रभु और उनके पार्षदों की कृपा के अलावा, एक दिन हम लोग चर्चा किए थे इस विषय में विस्तार से, एक दिन पूरा क्लास था उसी के विषय में, याद कीजिए, विनान गौर प्रियपाद सेवा, क्योंकि ये वेदों के लिए भी दुर्लभ है, राधा कृष्ण की जो सेवा है वो वेद में भी नहीं लिखा गया है, ये तो गौरांग महाप्रभु नहीं आते थे, वो प्रेम भक्ति किसी को मिलता भी नहीं था, ये तो उनके द्वारा प्रचारित हुआ है, इसलिए उनके आश्रय के बिना। अच्छा, वो राधा कृष्ण कैसे हैं? ललिता विशाखान्वितम, उन अपनी अष्ट सखी से युक्त श्री राधा कृष्ण है, उनके पाद पद्मों में मैं प्रणाम करते, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति। पाठ ऐसा है, मैं तो अपने लिए कुछ प्रार्थना में दो श्लोक ऐड किया हूँ, बोलता हूँ, लेकिन हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। मैं उन राधा रानी के अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, वो कैसे कृष्ण है? जो करुणा सिंधु है, करुणा के सागर है श्री कृष्ण करुणा सिंधु, और वो दीन बंधु है, व्यक्ति जितना इस संसार में दुखी रहेगा भगवान को उतना वो खुश करेगा। दीन बंधु का अर्थ होता है दीनों के ऊपर कृपा करने वाले, उसका अर्थ अपने उन बुद्धि बल के बूते पर जो चलने वाले लोग है उनको भगवान देखते तक नहीं, शरणागत, दीनता का अर्थ शरण ले करके कि मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं अत्यंत दीन हूँ, साधन भजन नहीं है, भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे जैसे हम लोग भजन करेंगे ना, उनके बाद में ये बुद्धि हमको मिलती जाएगी कि कैसे, क्योंकि ददामि बुद्धियोगम तम, भगवान वो बुद्धि देंगे, वो यही बुद्धि है, भगवान शरणागति देंगे, पहले षडविधि शरणागति, छह प्रकार का रक्षतीति विश्वासो इत्यादि जो छह प्रकार का शरणागति है, वो कभी हम चर्चा करें, वो शरणागति का शरणागति है क्या, अद्भुत बातें हैं एक एक, और रूप गोस्वामी पाद ने जो लिखा है बक्सामृत सिंधु में अद्भुत बातें लिखा है। तो इन षडविध शरणागति हम भजन साधन से, वो शरणागति को हमारा चित्त प्राप्त होता जाएगा, और जितनी मात्रा में हम समर्पित हो जाएंगे उतनी मात्रा में हम जगत का आश्रय छोड़ के जाएंगे, इसको बोलते दीन। गोपेश गोपी का कांत, उन गोपियों के ईश्वर और गोपियों के कांत राधा कांत, गोपियों में भी राधा रानी श्रेष्ठ है, इसलिए उन राधा के अत्यंत कांत का अर्थ प्रिय, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते प्रणमामि हरिप्रिय, और फिर उनकी शक्ति अलादिनी शक्ति जो भगवान को आनंद देने वाली राधा रानी है, इनका बहुत व्याख्या चाहिए एक एक श्लोक का, माता जी ने पूछ लिया इसलिए मैं अनुवाद कर करके कि केवल प्रार्थना आप समझ करके उनको आप हृदय कर सकते हैं, तो उन राधा रानी भगवान की अंतरंग अलादिनी शक्ति राधा रानी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, और उनके बाद में वैष्णव पंडित है ना,
वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोलते इस संसार में सबसे पतित जीवों को भी पावन करने वाले वैष्णव लोग है, वो कैसे है? बोले वांछा कल्पतरु, उनका आश्रय लेने से व्यक्ति को जो कुछ चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो ऐसे वैष्णव जो भगवत कृष्ण कथा का प्रचार प्रसार करते